हिंदू युवा वाहिनी महानगर के रेलवे स्टेशन स्थित कार्यालय पर आईडीएसएल कार्यशाला का उद्घाटन किया गया, जिसके संबंध में हिंदू युवा वाहिनी के महानगर संयोजक एवं पार्षद श्री मोहन वर्मा ने बताया कि सोशल मीडिया पर कार्यकर्ता अपनी और पार्टी की बातों को रख सके तथा उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच ला सके, इसके लिए हिंदू युवा वाहिनी कार्यालय पर बैठक तथा कार्यशाला के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण दिया गया तथा आगे प्रशिक्षित करते हुए बताया जाएगा कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिला और सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि आईटी सेल कार्यशाला से सरकार को अत्यंत लाभ मिलेगा, क्योंकि चुनाव आयोग का आदेश है कि बड़ी रैली के माध्यम से हम अपनी बातों को नहीं रख सकते, बड़ी सभाओं का आयोजन नहीं कर सकते। ऐसे में सोशल मीडिया और आईटी सेल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है और इस महत्वपूर्ण भूमिका में आईटी सेल अपने दायित्व का निर्वहन पूरी तरह से करेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिंदू युवा वाहिनी के महानगर संयोजक व पार्षद ऋषि मोहन वर्मा एवं हिंदू युवा वाहिनी के महानगर अध्यक्ष व पार्षद रंजय सिंह जुगनू ने कहा, बोलिए भारत माता की। कार्यक्रम का शुभारंभ करें। भारत माता की जय, जिंदाबाद। धन्यवाद, अधिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए कार्यकाल कार्यशाला संपन्न नहीं हो पाया था। हमारे सभी आईटी सेल के कार्यकर्ता पदाधिकारी के तहत एक कार्यशाला का आयोजन हो जाए, यहाँ से आपको बताया जाएगा, किसी को कोई कंफ्यूजन या सुझाव होगा तुरंत आमंत्रित है। बस ठीक है। देखिए, आज हिंदू युवा वाहिनी महानगर के आईटी सेल का आज कार्यशाला है। यहाँ आईटी सेल के कार्यकर्ताओं को कार्यशाला में आईटी सेल से संबंधित अच्छी चीजें, खराब चीजें, दोनों चीजें को बारे में चर्चा होगी और अपने कार्यकर्ताओं को इस कार्यशाला से सीख मिलेगी। इसी के लिए आज ये कार्यशाला रखी गई। उद्देश्य है, देखिए, हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग मोबाइल है। सुबह सोने से रात को सोने से लेकर और सुबह उठने के बीच को छोड़ के इसके अलावा दिन भर हमारे हाथ में मोबाइल रहता है और मोबाइल यही एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम पूरे दिन की दिनचर्या, कह लीजिए अब तो दिनचर्या हो गई है, उस पे अपडेट रहता है। तो एक तरफ चुनाव का समर है, दूसरे तरफ कोरोना का। चुनाव आयोग ने भी कहा है कि हम बड़ी रैली नहीं कर सकते हैं, हम 5-6 लोगों के अधिक साथ लेके चल नहीं सकते हैं। इस पोजीशन में मुझे लगता है कि मोबाइल सबसे अच्छा माध्यम है अपने प्रचार प्रसार का। हमारे कार्यकर्ता जो एक दूसरे से मीडिया सेल के सारे लोग और अपने मेन कार्यकर्ता हिंदू युवा वाहिनी महानगर के संगठन के साथ साथ अन्य लोगों से जुड़े हुए हैं, एक हमारा कार्य अब तक 2 वर्ष हो गया, सरकार की योजनाओं को हम लोग इस माध्यम से लोगों के बीच पहुंचाते रहे। अब वर्तमान समय में एक हमारा कार्य उस पर क्लिक हुआ और समाज के बीच वो जाना शुरू हो जाएगा। लोग जान जाएंगे कि हिंदू युवा वाहिनी से संबंधित भारतीय जनता पार्टी होती है और इस सरकार ने क्या कार्य किया, ये सब लोग जान रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग याद दिला रहे हैं। आज हिंदू युवा वाहिनी के आईटी सेल जो महानगर कार्यकारिणी द्वारा गठित किया गया था, आईटी सेल के महानगर के संयोजक श्री संजय सिलांकुर जी के नेतृत्व में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जो ऐसे कार्यकर्ता सोशल मीडिया में अपनी बातों को रख सकें, पार्टी की बातों को रख सकें, उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में ले जा सकें, ऐसे कार्यकर्ताओं का संकलन करके आज यहाँ एक बैठक के माध्यम से, कार्यशाला के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा और यह कार्यशाला आगे प्रशिक्षित करते हुए इन सभी लोगों को यह बताएगी कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिला, यह उनके बीच ले जाना है। जन जन तक जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एंड्रॉयड सेट हो, मोबाइल हो और आईफोन हो, जिस चीज़ का प्रयोग जैसे लोग करते हैं, आजकल आप देख रहे होंगे कि फेसबुक
और व्हाट्सएप हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, इन सब के मैसेंजर के माध्यम से हम जनता के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से उन बातों को ले जाएंगे। कितना लाभ मिलेगा पार्टी? अत्यंत लाभ मिलेगा, ऐसे अवसर पर लाभ अत्यंत मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय चुनाव आयोग का यह भी निर्देश हुआ है कि हम बड़ी रैली के माध्यम से बातों को नहीं रख सकते, बड़ी सभाओं का आयोजन नहीं कर सकते। ऐसे में सोशल मीडिया और आईटी सेल का भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, और इस महत्वपूर्ण भूमिका में आईटी सेल अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी तरह निभाएगा, यह हम सब लोग जानते हैं।